नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 5 मार्च 2019 का मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान। दोस्तों, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से हमारे करियर डेस्ट एकेडमी डॉट कॉम पर पहुँचेंगे तो आपको PDF डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, लेकिन अभी PDF अपलोड नहीं हुई है तो आपको कमिंग लिखा हुआ आएगा और आप इस प्रकार careerdeskacademy.com पर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन के तौर पर आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्च की 3 तारीख तक के MCQ अपलोड हो चुके हैं और जिस प्रकार से आप फरवरी के भी ये सारी डेट के अनुसार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं और जनवरी के, वहीं दिसंबर 2018 के। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी डेली करंट अफेयर्स एमपी जीके कवर करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में एक आपसे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट के जरिए देना होता है और जो कि आने वाली मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं एमपी डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा हल्के मकान से जुड़ी परियोजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट में नई तकनीक पर आधारित आवास निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को चुना गया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक नई तकनीक पर आधारित आवास बनाए जाएंगे, उसके लिए इंदौर को चुना गया है मध्य प्रदेश में, और हल्के मकान से जुड़ी परियोजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने छह शहरों का चयन किया है, जिसमें हमारा इंदौर मध्य प्रदेश है, राजकोट गुजरात, रांची झारखंड, चेन्नई तमिलनाडु, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश है, उसी के साथ हमारा इंदौर शामिल किया गया है और ये 6 शहरों को एक प्रायोगिक योजना के लिए चुना गया है और इस योजना के तहत नई तकनीक के इस्तेमाल से कम खर्च पर अधिक टिकाऊ एवं आपदा रोधी लगभग 1000 मकान बनाए जाएंगे जो कि नई तकनीकी से लैस होंगे। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर की कौन से स्टेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी कमान महिला शक्ति के हाथों कमान सौंपी जाएगी? ये आज ही के दिन सौंपी जाएगी मदन महल स्टेशन। एक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अंतर्गत मदन महल स्टेशन आता है। वैसे कचपुरा स्टेशन भी हमारा पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, हाऊबाग स्टेशन भी, ग्वारी घाट भी स्टेशन आता है, लेकिन मदन महल स्टेशन जो है वो इसके सारे संचालन की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में जाने वाली है, वो भी आज ही के दिन यानी 8 मार्च 2019 को, और इसके जिससे कि यह मदन महल स्टेशन पिंक स्टेशन बन जाएगा। और रेलवे बोर्ड ने 2 साल पहले भारतीय रेल के मांटूगा, विजयवाड़ा और पमरे से मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित करने का निर्णय लिया था। मध्य प्रदेश में संबल योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में मिलती है? ये अभी वर्तमान में 5000 रुपये है, पहले ये 1000 थी, फिर 3000 हुई, तो अब 5000 रुपये है। और ये मध्य प्रदेश में वैसे अंत्येष्टि सहायता योजना अलग से प्रारंभ है और यह 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी और जो अंत्येष्टि सहायता योजना का क्रियान्वयन विभाग है वह सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग है और ये जो शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना प्रारंभ की थी उसमें इस योजना को शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष की विवेकाधीन पंचायत निधि कितने रुपए कर दी गई है? ये जो पंचायत निधि थी कि अपने विवेक पे आधार पर अपने क्षेत्र में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्माण काम करा सकते हैं, तो ये अभी विवेक का निधि जो बढ़ा दी गई है वो 50 लाख रुपए कर दी गई है। 25 लाख रुपए के स्थान पर 50 लाख रुपए की पंचायत निधि कर दी गई है जिला पंचायत अध्यक्षों को। वे जिले में विकास कार्यों पर अपनी सुविधा के हिसाब से 1 वर्ष में खर्च करने की सिफारिश कर सकेंगे और वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 20 लाख रुपए कर दी गई है और जिला पंचायत सदस्य को 15 लाख रुपए की निधि दी जाएगी। और बात करेंगे हम जनपद अध्यक्ष की तो इसे 20 लाख रुपये, जनपद उपाध्यक्ष को 10 लाख रुपए और जनपद सदस्य को 5 लाख रुपए की निधि मिलेगी। इसमें आपको पता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जिला पंचायत सदस्य वोट डालते हैं और उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है और जो पंचायत जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और यहाँ जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद सदस्य और जिला
सदस्य का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे जनता द्वारा जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में ओलावृष्टि से लगभग 1,000 पक्षियों की मौत हो गई है। दोस्तों इसके ऑप्शन हमारे द्वारा भूल गए हैं, लेकिन पेंच टाइगर रिजर्व, ये पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी है और इसमें ओलावृष्टि से लगभग 1,100 पक्षियों की मौत हो गई है जो पेंच टाइगर रिजर्व है। और दोस्तों दोस्तों इसके ऑप्शन हम ले लेते हैं, बाद में ले लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा भी कोई देख लें आप, तो इस प्रकार के ऑप्शन इसके बन जाएंगे। तो ऑप्शन मैं ध्यान भूल गया दोस्तों। और मध्य प्रदेश में 2 मार्च 2019 को पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आने वाले 3 गांवों में जमकर तूफानी हवाएं चलीं, जिसके बाद तेज बारिश और ओलों की बौछार हुई और इस ओला वृष्टि ने फसलों को तो नुकसान पहुंचाई है लेकिन पक्षियों पर कहर बरसा है। जानकारी के अनुसार ओलावृष्टि के कारण 1,102 पक्षियों की मौत हो गई है। इस ओलावृष्टि में 590 बगुले मारे गए और 360 तोते और 152 कौओं की मौत हो गई है। बहुत ही दोस्तों गलत हुआ। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बायोडायवर्सिटी पार्क और फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बायोडायवर्सिटी पार्क और फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का जो निर्माण किया जाना है वह छिंदवाड़ा में किया जाना है। छिंदवाड़ा में किया जाना है बायोडायवर्सिटी पार्क और फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण। कृषि और उद्यान की क्षेत्र की मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा जिले में 5,470.95 करोड़ रुपए की लागत से छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका जो शिलान्यास हो चुका है। वहीं भरता देव चंदन गांव में 9.95 करोड़ की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण होगा। उद्यान की विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले में 40 करोड़ रुपए की लागत से उद्यान की ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और 10.28 करोड़ रुपए की लागत से नींबू वर्गीय उत्कृष्ट केंद्र एवं 8.85 करोड़ रुपए की लागत से फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। दोस्तों इसमें ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है अभी फिलहाल वर्तमान में। और हम देखते हैं इस वीडियो के भाग दो के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है जो वह होशंगाबाद जिले में होता है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक एवं मालवा का पठार क्षेत्र में होता है। ये गेहूं जो होता है, यदि बात करें पठार के क्षेत्र में बात करें तो मालवा के पठार में सर्वाधिक होता है गेहूं का उत्पादन और गेहूं के उत्पादन जिलों में होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल एवं विदिशा शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में फसलों का उत्पादन के घटते क्रम में सबसे पहले गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, फिर सोयाबीन का, चना का, चावल का, मक्का का, कपास का एवं ज्वार का, ये घटते क्रम में है हमारे। और मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है, इसकी वजह से मध्य प्रदेश का सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों पर्टिकुलर घटते क्रम में है, ध्यान दें। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मृदा पाई जाती है वह काली मिट्टी पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से हुआ है। काली मिट्टी में लोहे और चूने की अधिकता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैव तत्वों की कमी होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये काली मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट थे दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान किया गया था? ये मध्य प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक राशि का प्रावधान किया गया था। सामरिक क्षेत्र में 13.5% के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12% की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और इसमें संवर्गीय क्षेत्र में 9% और औद्योगिक क्षेत्र में 12% की राशि का प्रावधान किया गया था। मध्य प्रदेश में उन्नत बीजों का सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है? मध्य प्रदेश में उन्नत बीजों का जो सर्वाधिक प्रयोग किया गया है वह चंबल घाटी में किया गया है। दोस्तों चंबल घाटी ग्वालियर मुरैना सबसे बन के होती है, तो ये पर्टिकुलर मुरैना इसका आंसर नहीं होगा, चंबल घाटी होगा कि सब मध्य प्रदेश में उन्नत बीजों का सर्वाधिक प्रयोग चंबल घाटी में किया गया है। मध्य प्रदेश के कृषक आयोग का गठन का निर्णय कब लिया गया था? मध्य प्रदेश में कृषक आयोग का गठन का जो निर्णय लिया गया था वह मार्च 2006 में लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2006। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जो बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1978 में हुई थी।
मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उपज दर किस जिले में पाई जाती है? उपज दर की बात करें तो माने वो कम और ज़्यादा पैदावार हो ऐसी उपज दर कहलाती है, तो यह रतलाम जिले में सर्वाधिक उपज दर पाई जाती है। मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में जो प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है वह पश्चिमी मध्य प्रदेश है। पश्चिमी मध्य प्रदेश कपास उत्पादन वाले सर्वाधिक क्षेत्र है, और ये कपास से संबंधित हम फैक्ट देखते हैं कि कपास मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कपास देश में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। भारत में यह सामान्यतः खरीफ की फसल के साथ बोई जाती है। इस फसल की बुआई जून में होती है, और जब मूंगफली और मक्का की बुआई होती है उसी के साथ कपास की बुआई होती है। और कपास की खेती मध्य प्रदेश में खरगोन, धार, खंडवा, उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर, रतलाम, राजगढ़, सीहोर में होती है, झाबुआ जिलों में की जाती है। भारत में कपास के उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है। कपास के लिए काली मिट्टी तथा 60 से 85 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। देखते हैं हम जो 4 मार्च 2019 का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी हाल ही में भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक जेल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, ये क्वेश्चन कब से कब तक किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके द्वारा कमेंट किया गया था कि 26 से 27 फरवरी 2019 तक जो अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक जेल का कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल में 26 से 27 फरवरी 2019 तक किया गया था। अब देखते हैं हम दोस्तों 5 मार्च 2019 का आपसे क्वेश्चन कि राजभवन भोपाल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगी बॉन्साई एवं पुष्प प्रदर्शनी कब से कब तक लगाई गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट के जरिए बताना है। और ये जो पहला ऑप्शन है कि 24 से 29 जनवरी, 24 से 27 जनवरी, 24 से 26 जनवरी और 24 से 28 जनवरी, ये 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, और इसका आंसर आपको बताना है। और यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दिया करें। और दोस्तों एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अब लोकसभा की आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है, और हमने इसमें क्या है जो हमारे एमपी स्टेटिक जीके चलती है वह हम चैप्टर वाइज लिया करेंगे। और चैप्टर वाइज में सबसे पहले शुरू में जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, ये सारे लिए जाएंगे, और उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हमारे उसमें कवर किया करेंगे। यदि उसमें जो भी जैसे कि मध्य प्रदेश गठन से संबंधित है, यदि हमने 10 क्वेश्चन आज ये अपलोड किए तो कल हम उसे आगे लिएंगे। और फिर दोस्तों जब हमारे एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसमें अपलोड हुए हो जाया करेंगे तो हम उसका एक अलग वीडियो बना दिया करेंगे उससे संबंधित चैप्टर का। इससे क्या होगा, हमारा मध्य प्रदेश जी का एक पर्टिकुलर जो है चैप्टर वाइज में चलेगी और हमारा पूरा कवर हो जाएगा। और दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि हम जो भी चैप्टर इसमें शामिल किया करेंगे उससे क्वेश्चन यदि कोई छूटते हैं तो आप भी उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसकी पीडीएफ और एमसीक्यू आप इसकी लिंक दे दी गई है, और इसकी पीडीएफ दोस्तों हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, एक दिन में कर देंगे दोस्तों, कल की वीडियो में कर देंगे। और आज जो है कि हमारे 7 मार्च तक के वीडियो अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।